भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बुधवार को भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर जिला और महानगर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और संगठन की मजबूती पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए संगठन की मजबूती पर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, और ये पूछता हूं कि जो कार्यकर्ता आपके मंडल में बैठ जाते हैं, अंगद गुप्ता जी, अंगद जी है के कार्यकर्ता, उनकी सूची बना लेना। ऐसे 10-15 कार्यकर्ता जो सीनियर वरिष्ठ है, उन्हीं से मिलूंगा या उनसे गपशप कर, मेरा जलपान रखना या भोजन रखना। और इस बार मैं कोई बैठक नहीं करूंगा, जनसंघ के समय के जितने कार्य में है, 14-15 ऐसा प्रतिवेदन कभी नहीं लिया डायरी में, किस श्रेणी के बूथ कितने हैं, ये सब अभी नहीं किया। नहीं जायसवाल, उमेश जी कभी समीक्षा करते हैं क्या? कैसे करते हैं समीक्षा? तो वहाँ मतलब महामंत्री अभय जायसवाल जी को लगाया गया कि आप घर घर जाइए और हम अपनी बार आएंगे, तो हम भी आपके साथ करेंगे। जी बहुत सही में बदलना है, क्षेत्र का प्रदेश का कोई पदाधिकारी एंट्री न करे, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, बूथ का प्रभारी, सेक्टर सेवन सेक्टर प्रभारी, ये बैठकर हम नाश्ता करेंगे। आप बूथ कहेगा वहां पर हमारे सीनियर कार्यकर्ता बाहर बैठे थे बेचारे, कितने अनुशासित थे, और बूथ अध्यक्ष हमारे बगल में बैठ के सब कुछ कर रहा था, समोसा नहीं उठा पा। 3 दिन वही लड़ता है, 3 दिन तक हम बैठक लेते हैं और हम जैसे नेता बूथ पर खड़े होकर 4 घंटा नहीं वोट डलवाते। बहुत कम कार्यकर्ता है जो बूथ पर खड़े होकर वोट डलवाए। और घर प्रवास कैसे होता है आपका? प्रवास में आप जाते हैं तो मंडल अध्यक्ष से क्या करते हैं? लेकिन आप जाएंगे ना तब तो समझेगा अटल जी आगे, उसके नाते पोता खुश हो जाएंगे कि मेरे बाबा बीजेपी में है। कोई जाता नहीं तो मंडल प्रभारी के नाते इस बार प्रवास करूंगा। देखिए ड्राइवर हुआ, 2 ही आदमी रहे, किसी घर में 2 भोजन बुलाए तो 2 ही लोग करेंगे, 10 आदमी और साथ में भी कार्यकर्ता आए तो नहीं पहुंचेगा। जिससे मैं रखता धर्मेंद्र जी को बताया था कि संगठन को सक्रिय करने के लिए राज्य के अंदर मंडलों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, और राज्य में जो मंडल प्रभारी बनाए गए हैं तो राज्य के अंदर मंडल प्रभारियों की बैठकें हो रही कमिश्नर साहब, और संगठन की गतिविधियों की जानकारी करना, आगे के संगठन को मजबूती देना, उसी के आधार पर बैठक आती थी। हाँ, कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के 6 कार्यक्रम बूथ पर हैं, मतदाता बढ़ाने का है, पंचायत चुनाव वाले हैं, सभी विषयों पर चर्चा हुई। हाँ आरे मतलब हाँ, वह सभी पर संगठनात्मक चर्चा हुआ, संपूर्ण उसी की तैयारी चल रही है, संगठन की हमारी तैयारी शुरू हो गई है 2022 के लिए। संतुष्ट 100%, अच्छा कार्यकर्ता, ठीक है।